हरे कृष्णा माता जी कोई कीर्तन करें कोई हरे कृष्णा कोई कीर्तन के लिए कोई है हरे कृष्णा माता आरती करू कर अगर जैसी आरती नरसिंह आरती बताएं करें या फिर कोई कीर्तन कीर्तन माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे एक बार हम बोलिए एक बार आप लोग बोले आ, एक बार एक जना लीड करे और जने फॉलो करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम मंत्र का महामंत्र को पूरा जपने के बाद उसको फॉलो करिए पहले हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे पूरा महामंत्र को एक साथ बोलना है आधा आधा करके नहीं

थोड़ा सा सबको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है सबको पर्टिकुलरली कि पार्शली है भी मैं आता भी हूँ नहीं भी आता हूँ ऐसे जो थर्टी फोर्थ थर्टी फिफ्थ श्लोका में तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा सबसे पहले प्रभु जी आपको भागवतम हमारे भागवतम क्लास में आपका स्वागत है हरे कृष्णा

अहम ए एवाग्रे न असत्म पश्चात अहम यद अवशिष्य सो अस्मि अहम तो ये पहले चार श्लोक का मूलतः शुरुआत कहाँ से हो रहा है शुरुआत हो रहा है कि ब्रह्मा ने तपस्या किया तपस्या के बाद ब्रह्मा को भगवान के दर्शन हुए और भगवान के दर्शन होने के बाद ब्रह्मा ने अभी सृष्टि शुरू नहीं हुई है भौतिक सृष्टि खाली ब्रह्मा जी बने हैं। और ब्रह्म और ब्रह्मांड बनाया लेकिन ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा का काम शुरू नहीं हुआ है तो जो हम जो चारों डिफरेंट सिस्टम देखते हैं ये सब अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है तो इस समय ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं ठीक है तो इस समय ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं आ, ब्रह्मा ने प्रश्न पूछा भगवान को कि हमको तो कुछ ज्ञान दीजिए ऐसा ज्ञान दीजिए कि सृष्टि के बनाने पे भी मेरे को घमंड ना आए मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं तो भग, ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान ने ये चार श्लोक दिए एक्चुअली ये चार श्लोक बहुत सिंपल है लेकिन प्रौपद जी इतना विस्तार पर पर क्यों लिखते हैं इसका एक कारण है कारण ये है कि इन श्लोकों को मायावती लोग मिस करते हैं थोड़ा आपको तो कीर्तन का आवाज आ रहा होगा एक सेकेंड अभी ठीक रहेगा शायद हरे कृष्णा ठीक कृष्ण अभी हमारा तो कीर्तन चलता है पौने नौ तक हाँ तो इधर तो ब्रह्मा जी अपना सृष्टि के पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरे को तो इसको इस ज्ञान को चौथी श्लोकी को प्रौपा जी ने इतना विस्तार पर पट क्यों लिखा है इसका कारण है कि ये श्लोक गलत समझे जाते हैं प्रौपद जी इन श्लोकों में मायावादी को डायरेक्ट कर रहे हैं अगर वो गलती से भी पढ़े उनको वो सुधारना चाहते हैं शंकराचार्य जिन्होंने आपका शुरू किया था पूरा अद्वैत तत्व उस वो एक इमरजेंसी था वो परमानेंट कंक्लूजन नहीं है उस समय चाहिए था वो ऐसी स्थिति आ गई थी कि पूरा भारत में बुद्धिज्म था और बुद्धिज्म मतलब भगवान का कोई जिक्र नहीं है आत्मा का कोई जिक्र नहीं है वेद ना मान या बौद्ध हो नास्तिक है चेतन ना बाबू बोले थे वो तो नास्तिक धर्म के बराबर है बिकॉज पूरे वेद को अस्वीकार कर दिया गया आस्तिक मतलब वेद को स्वीकार करना नास्तिक मतलब वेद को रिजेक्ट करना सो बुद्धा ने तो बोला था निंद से मेरे को वेद चाहिए ही नहीं तो इसलिए सनातन धर्म को वापस लाने के लिए एक इमरजेंसी क्रिएट हो गया था ठीक है सो so, सनातन धर्म को वापस लाने के लिए जब ये काम शुरू हुआ है सो so, सो so, उस समय आपको शंकराचार्य को उस समय एक इमरजेंसी मेजर में कुछ देना पड़ा ज्ञान और मूलतः उन्होंने ज्ञान दिया था आत्मा का उन्होंने कुछ शास्त्रों में टिप्पणी लिखी थी करीब ग्यारह शास्त्र में भगवत गीता इंक्लूडेड है कुछ उपनिषद लेकिन उन्होंने भागवत को नहीं छुआ बिकॉज भागवत भगवान की महिमा है और उसमें अगर भगवान को नकारा गया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा जानते हैं शंकराचार्य कौन है शिव जी और भागवतम में क्या लिखा शिव जी के लिए कि जैसे सब नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है उसी तरह सबसे भक्तों में सबसे बड़े भक्त शिव जी हैं उनको वैष्णव का रूप दिया गया वैष्णव नाम यथा शंभु वैष्णव सर्वोत्तम शिव जी है भागवत में चौथे खंड में शिव जी की बहुत सुंदर प्रार्थना भी दी हुई है आ? उसको रुद्र गीत बोला जाता है जिन उन्होंने प्रचेता को भगवान के लिए तीस चालीस सुंदर श्लोकों में भगवान की महिमा दी है तो ये इतना कुछ होने के बावजूद क्या हो रहा है आपका लोग समझते हैं कि शिव जी दूसरे भगवान है कृष्ण जी दूसरे भगवान है जिसको भगवान मान लो ऐसा चीज है वो तो दूसरा टॉपिक हो गया अब इस समय वो वैष्णव के रूप में वो भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते थे जिससे भगवान के महिमा का, का अपराध हो जाए और भागवत ग्रंथ सब पुराणों में सबसे अमल पुराण है सबसे महान ग्रंथ है ठीक है तो इसलिए शिव जी थोड़ा हेजिटेट किए और उन्होंने भागवत पर टिप्पणी नहीं लिखी भागवत को छुआ तक नहीं लेकिन उनके फॉलोअर्स लोग थोड़े बदमाश हैं वो भागवत में भी घुस आते हैं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं जैसे ब्रह्मवाद ऐसा है जैसे आपके रोड में बल्ब है तो इन बल्बों की तरह खाली मैं लाइट हूं मैं लाइट हूं ना किसी से बात कर सकते हो ना किसी का संग कर सकते हो ना कोई रिश्ते बना सकते हो तो ब्रह्मवाद में बहुत बोरियत है एक्चुअली तो ब्रह्मवाद के प्रचार में भी बहुत बोरियत है जनरली ये लोग ज्यादातर जितने भी देखो आपके अद्वैत ऑर्गेनाइजेशन जनरली जितने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अद्वैत ही है सारे ये लोग जनरली सांख्य में बात करते हैं मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं तुम क्या देख रहे हो लेकिन वो तुम नहीं देख रहे हो और मतलब लोगों का सुन सुन के कुछ समझ आता नहीं है उनको तो मालूम है कि लोग बोर हो जाएंगे तो ये लोग क्या शुरू कर दिया है ये लोग भागवत में घुस गए हैं आपके वृंदावन में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है ज्यादातर भागवत सप्ताह मायावादी लोगों के हैं इवन टीवी में भी बहुत मायावादी लोग भागवत पे क्लास करना शुरू कर दिए स्टोरी है ना <laughs> थोड़ा इन लोगों को इंटरेस्ट आता है लेकिन अरे तुम तो बोलते हो उनका मूल तत्व यह है कि भगवान की लीला जो है वो माया है तो आप जब आप बोल रहे हो कि भगवान की लीला माया है तो उसका विवरण क्या कर रहे हो इसलिए चैतन में बोला था मायावादी कृष्ण अपराधी वो बोलते हैं भगवान भी माया के मोहग्रस्त होकर दुनिया में भटक रहे थे ये सुनना भी गलत है भगवान भी हम भी भगवान है माया में पड़े इस दुनिया में आ गए इस तरह ऐसा कुछ बोलते हैं तो जब आपने भगवान की लीला को स्वीकार नहीं किया वो भगवान की लीला का कभी को कभी आध्यात्मिक रूप से स्वीकार नहीं करते जब भगवत गीता भगवदगीता मतलब क्या जन्म कर्म चमे दिव्यम भगवान की सारी लीला और सारी एक्टिविटी दिव्य है लेकिन ये लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो जब भगवान की लीला को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उसका विवरण क्यों कर रहे हो ये तो कॉन्ट्रोडिक्टी चीज हो गया ना वो तो बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या खाली आत्मा ही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है तो जब वो बोल रहे हैं कि सब कुछ मिथ्या है आ, भगवान का लीला भी मिथ्या है ये भौतिक जगत भी मिथ्या है तो जब वो ऐसा चीज बोल रहे हैं एक सेकेंड हम आवाज थोड़ा कम कराते <laughs> तो कहां पे थे हम ठीक है तो हाँ तो शंकराचार्य की सिचुएशन में ही वाज वेरी वेरी कॉन्शियस कि भागवत को छूना नहीं है ये भगवान की महान महिमा है और अपराध हो जाएगा बट उनके शिष्य लोग इसमें घुस जाते हैं मैंने आपको बताया क्यों उसमें क्योंकि भगवान की महिमा से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं लेकिन आप सीधा बोल रहे हैं भगवान ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ये दुनिया मिथ्या है ये दुनिया मिथ्या नहीं है ये दुनिया टेम्पररी है ठीक है तो इस तरह यहां पे शुरू हो जाता है ठीक है तो प्रभुपा जी ये क्लियर करने के लिए कि इसमें डाउट नहीं हो कंफ्यूजन नहीं हो तो प्रभा जी क्या करते हैं ही स्टार्ट राइटिंग बहुत ही इलेबरेट परपोट इन चार श्लोक के लिखे उनको तो मालूम है एक्चुअली इसमें उनको नाक घुसानी नहीं चाहिए क्योंकि तो भागवत तो भक्तों का ग्रंथ है जब आप भक्ति को ही नकार दिए हैं जब आप वो भक्ति को एक भावना मानते हैं मानसिक कल्पना भावना तो जब भक्ति का इतना अपमान करते हो तो भक्तों के ग्रंथ को क्यों छू रहे हो गलत है ये उनका एरिया नहीं है एक्चुअली अद्वैतवादी लोगों का लेकिन घुसते हैं और घुस के इन चार श्लोकों को वो लोग गलत मीनिंग निकालते हैं इसलिए प्रभुबा जी उससे सुरक्षा करने के लिए और अगर कोई मायावाद से प्रभावित होके भी आदमी इन श्लोकों को पढ़ेगा तो उसको ठीक मीनिंग समझ आ जाएगा बहुत लोग क्या करते हैं इधर पढ़ा फिर देखते चलो देखो उस आनंद क्या लिखा उस आनंद ने क्या लिखा ऐसे करके लोग कंपेयर करते हैं तो प्रौपज ने थोड़ा विस्तार से पढ़ पढ़ लिखे ताकि कोई गलत इन श्लोकों को ना समझे तो चार श्लोकों में एक्चुअली आपके कृष्ण जी पूरा वेद का सारांश कर रहे हैं उन्होंने तो ब्रह्मा को चार श्लोकों में पूर्ण ज्ञान दे दिया था तो उसके ब्रह्मा ने नारद को वेद व्यास को इस तरह आपका विस्तार करते करते अठारह हजार श्लोक हो गए लेकिन ओरिजिनली ब्रह्म को पूर्ण ज्ञान चार श्लोकों में मिला था जैसे भगवद गीता में भी चार श्लोकों में पूरी गीता का सारा हो जाता है टेन पॉइंट एटेन उसी तरह ये भी उतना ही सिंपल है कि लंबा डिटेल क्यों आ रहा है क्योंकि लोग इसको गलत ले लेते हैं इसलिए अच्छे से समझाया गया है ओके तो थोड़ा सा हम चारों श्लोकों में थोड़ा मेडिटेट कर लेते हैं अहम एवासम ए एवा अग्रे अग्रे मतलब पहले ठीक है मैं सृष्टि के पूर्ण विद्यमान ठीक है अग्रे जग्रे पौरुषम अग्रे बहुत जगह अग्रे शब्द बहुत जगह यूज हुआ है पहले मैं सबसे पहले मैं था इसका सपोर्ट प्रॉपर जी ने बहुत जगह बहुत सारे श्लोकों से दिया है वेद से उठा के कि ना तो ऐसा समय था ना तो उसमें ब्रह्मा थे ना शिव थे ना इंद्र थे ना कोई थे उसमें एको नारायणम आसीत ना? गीता में प्रॉपर टेन पॉइंट एट में ये सारे श्लोक दिए कि एक्चुअली ये श्लोक पहले श्लोक के गीता के टेन पॉइंट एट के सिमिलर है तो एहम एवासम एवाग्रे तो पहले खाली भगवान कृष्ण थे और कुछ नहीं था ना अन्य तो अहम एक और चीज श्लोक में ये अहम जो शब्द है तीन बार ही आता है एवासम नान असत परम तत्पश्चात अहम इधर देखिए एक अहम छुपा हुआ है। ठीक है और अंत में फिर अहम तीन बार मतलब आए तो इमीडिएटली जब आए भागवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं ना अहम आदि देवाना अहम सर्व सभवो ये अहम शब्द जब भगवान यूज कर रहे हैं तो अहम मतलब मैं मैं, मैं मतलब पर्सन तो यहीं पे आपका अद्वैतवाद टूट गया तो पर्सन आ गया ना पर्सन मींस उनका फॉर्म है उसकी पर्सनालिटी है इस चीज को जी विस्तार से तात्पर्य में ठीक है तो ये पहले इसमें देखिए, तो क्योंकि अहम शब्द यूज हुआ अहम मींस आये पर्सन भगवान बोल रहे हैं कि शुरू में मैं ही था पश्चात अहम और अंत में भी मैं ही रहूंगा ठीक है अवश्य जो भी बचा रहता है वह मैं ही अंत में मैं ही हूं बीच में भी ये सृष्टि मेरे आ, कंट्रोल में चल रही है ठीक है श्लोक के तात्पर्य में आपको समझाते हैं कि जो भगवान की जो शक्तियां हैं और भगवान थोड़ा फर्क होता है जैसे आपका अग्नि है और प्रकाश है तो प्रकाश अग्नि की शक्ति है प्रकाश और अग्नि में फर्क भी है तो मायावती लोग क्या करते हैं वो सोचते हैं कि जो भगवान की शक्ति और भगवान एक ही हो गए लेकिन फर्क भी है ना कि जैसे सूरज और सूरज की लाइट में फर्क है ना आपके रूम में सूरज की लाइट अभी है और लेकिन अगर सूरज आ गए तो फर्क है ना आप तो जल जाओगे तो इस तरह इसमें हम लोग तो तरह तरह से प्रौपा जी समझा रहे हैं श्लोक में कि भगवान और उनकी शक्तियों में फर्क है और भगवान सृष्टि के पहले थे सृष्टि के समय हैं, और सृष्टि के बाद भी रहेंगे सृष्टि के समय अभी वो तो वैकुंठ धाम में हमेशा है लेकिन हमारे हृदय में भी बैठे हैं अभी ठीक है इसलिए इस श्लोक को हम इस तरह समझ सकते हैं इस श्लोक में किसी को कुछ डाउट है अभी कोई किसी को कुछ पूछना है पूछिए। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए हाँ, प्रभु जी जो आ, हमने पढ़ा था तो संबंध ज्ञान के लिए ये श्लोक जाना जाता है प्रभु तो कैसे इसको समझे प्रभु ओके okay, ये पहला दूसरा श्लोक ये दो श्लोक संबंध में श्लोक है चौथा श्लोक अभिदेय और जो बीच तीसरा वाला श्लोक प्रयोजना ठीक है संबंध मतलब आप समझ रहे ना भगवान का सिचुएशन भगवान हमसे पहले थे वो हमारे स्रोत हैं सब कुछ उन्हीं से आया है भगवत गीता में भी टेन पॉइंट अहम सर्वस भगवान ही सब चीज का स्रोत है तो संबंध बन रहा है ना आपसे उनका करेक्ट आप उनके बराबर नहीं जी हाँ अहम वो भी है प्रभुपा जी तात्पर्य समझाते हैं क्रिएटर आए एंड क्रिएटेड आए फर्क है ना है ना हम भी इंडिविजुअल है जैसे प्रभुपा जी इसमें तात्पर्य कोट कर रहे हैं फेमस श्लोक नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम नित्य सब कुछ भगवान में नित्य है, है, है हम भी नित्य है नित्याना चेतना एक बहुनाती कामान अकेले भगवान सब चीज का को मेंटेन कर रहे हैं तो रिश्ता बन गया ना विदधाती कामान हमारी सारी इच्छाओं को हर समय भगवान पूर्ण कर रहे हैं तो रिश्ता बन गया संबंध संबंधी जे जे जे, लड़की की शादी होती है तो रिश्ते बन जाते हैं ना सबसे है ना संबंधी बोलते हैं ना उसको ये मेरे संबंधी हैं तो आपका संबंध ज्ञान मतलब रिश्ता आपका रिश्ता बन गया तो ये आपका रिश्ते वाला ज्ञान है और दूसरे वाला श्लोक में जाएंगे अभी हम वो भी रिश्ते वाला ज्ञान है ये किसके कंट्रोल में है कंप्यूटर क्या कहते हैं स्क्रीन आप थर्टी फोर्थ श्लोक देख सकते हैं प्रभु जी स्क्रीन स्ट्रोल करें। हाँ हाँ करता करता निरा रिते अर्थम् यत् प्रति येता न प्रति येत चात्मनी तद् विद्याम् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमा हे ब्रह्मा जो भी सार व्यक्ति प्रतीत होता है यदि वह मुझ पे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई सत्य नहीं है इसका एक लाइन नीचे का तो जो भी इस दुनिया में हम देख रहे हैं लेकिन अगर उसका आ, जो भी इस दुनिया में देख रहे हैं हम लोग ठीक है लेकिन अगर आप उसमें आ, तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है ये मेरी माया जानो इसे ऐसा प्रतिबंध मानव को जो अंधकार में प्रकट होता है तो माया का जैसे आप किसी भी चीज को देखते हैं सावारा दंगा मदिने तारा मोती सर्वत्र हो इष्ट देव स्मूर्ति ये महाभागवत के लक्षण है महाभागवत कोई भी वस्तु को भगवान के डिस्कनेक्ट देखता नहीं है जैसे आप खुद देखिए अब आप एक किसी ने बहुत अच्छे समोसे गुलाब जामुन बनाए हम किचन में सबको अलाउ नहीं करते हैं क्यों क्योंकि साधारण व्यक्ति जब ऐसा सामान देखता है इमिडिएट भोग दृष्टि से देखता है हम्म, और उसके मुंह से कभी कभी <laughs> जाग भी टपक जाती है छोटे बच्चों को दिखाओ छोटे बच्चों को गुलाब जामुन सीधा अब उसमें क्यों क्यों वो भोग कर रहा है बिकॉज वो आदमी जानता नहीं है कि ये वस्तु मेरी नहीं है अगर आप हर चीज को भगवान से रिश्ते से देखोगे तो में नहीं पड़ोगे हम क्यों भोग की इच्छा करते हैं क्योंकि भूल जाते हैं कि ये वस्तु एक्चुअली हमारी नहीं किसी और की है जैसे रावण वो चाहता था कि सीता का राम से रिश्ता टूट जाए तो इसलिए उसका उससे रिश्ता बनेगा है ना हमेशा हर दिन रिक्वेस्ट करता था तो भूल जा राम को वो पूरे टाइम बैठे राम 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 किसी तरह डिस्कनेक्ट करेंगे तभी तो हम किसी चीज को एंजॉय कर सकते हैं तो जब हमारे हृदय में इंद्रिय भोग की लालसा प्रबल होती है तो उसको पूर्ण करने के लिए माया हमको उस चीज का भगवान से रिश्ता कभी टूटता नहीं है लेकिन माया के प्रभाव से लगता है कि उसका भगवान से रिश्ता नहीं है तो जो यदि कुछ मेरे मुझसे संबंधित नहीं है अगर आप भगवान से किसी चीज को देख रहे हैं और उसका भगवान से संबंध आपको दिख नहीं रहा है तो ये माया माया का ही प्रभाव है ये माया का प्रभाव से होता है कि हम किसी भी वस्तु को भगवान के रिश्ते से काट के देखते हैं जैसे हम सबसे बड़ी दुनिया प्रॉब्लम क्या है सेक्स डिजाइर वो कहां से उत्पन्न होता है हम किधर से ऐसे उत्पन्न हो रहा है हम किसी चीज को देख रहे हैं किसी स्त्री को देख रहे हैं लेकिन उसका भगवान से रिश्ता भूल जा रहे हैं ये नहीं सोच रहे तो हमारा तो है ही नहीं ये तो भगवान का है जब कोई भी आदमी महान भक्त हमारी बात नहीं है महान भक्त किसी सुंदर स्त्री को भी देखता है सोचता है ये भी गोपी बन सकती है भगवान की क्योंकि वो समझता है ये तो सब भगवान का ही है मेरा है ही नहीं वो भोग की इच्छा से देख नहीं सकता किसी भी चीज को वो तो सु है भोग की इच्छा से देखना मतलब माया तो भोगता ना भगवान ही भोगी है मैं भगवदगीता तो में कृष्ण तो भा, जी बोलते हैं शांति चाहिए तो इसको स्वीकार करो भोगता आराम यज्ञ तो स्वीकार करो इमीडिएट शांति आ जाती है लेकिन हम थोड़े गड़बड़ करते हैं हम उसको भोग करना चाहते हैं तो वो तो है आपका है ही नहीं तो माया का, माया उसका भी माया के प्रभाव से इस चैप्टर में भी देखिए इस चैप्टर का जो पहला श्लोक है उसमें भी यही है ना स्वप्न दृष्टम इवाम जैसा हम भगवान ने हमको शरीर में डाला है आत्मा में आत्मा के रूप में और इस शरीर से आइडेंटिफिकेशन किया अपने शक्ति से बहुत लोग इस शरीर की बनावट को देख के भगवान को नमस्कार करते हैं बिकॉज अगर आपको ऐसी आंखें सपोज खरीदनी पड़े आप छोटे लेंस बनाते ना इस कोई लेंस ऐसा बना नहीं सकता अभी तक नहीं बना पाया आपका निकॉन या सोनी ऐसा लेंस फ्लेक्सिबल लेंस आगे पीछे उसका पूरा आपको तो दस प्रकार के लगाने पड़ते हैं ना लेंस तो एक ही आंख से हो जाता सब कुछ तो आपको ये सब समझ के ये सब देख के समझ आता है कि इतना सुंदर शरीर भगवान ने बनाया जरूर भगवान है ठीक है इससे भी बड़ा जो चमत्कार है लोगों को समझ नहीं आता है वो क्या है कि हम सोच रहे हैं हम शरीर हैं आप सोचिए ना चलो शरीर भी हजारों साल दस हजार साल पचास हजार साल में आप बना लो लेकिन वो उतना बड़ा चमत्कार नहीं है वो तो ग्रॉस आपको दिख रहा है सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है ये माया स्वप्न दृष्टम जैसा ठीक है तो उसी तरह आप इधर भी देखिए ये माया के प्रभाव में हम ऐसा सोचते हैं कि ये दुनिया जो है भगवान से इसका रिश्ता नहीं है इसलिए आप कर सकते हो जैसे आपको मालूम है, है। आपको मालूम है 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 ये मोबाइल रोड में गिरी अब आपको किसी की है, तो आप उसको चोरी करके नहीं लेते तो उसकी है यार तो उसकी है तो आप उ, उस मोबाइल का उससे उस, उस आदमी का रिश्ता तोड़ना चाहते हो छुपा के लेके अब वो भूल कोई किसी को पता नहीं चलने का ये मेरी हो गई तो हम किसी तरह दुनिया में चोर उचके की तरह भगवान की वस्तुओं को हड़पना चाहते हैं ठीक है और आनंद करना चाहते हैं हाईजेक जैसे हाइजेक करना चाहते हैं ये सब तमाशे तो फिर आपकी शांति कैसे होगी अगर आप चोरी का काम करो तो डंडे पड़ेंगे ना तो उसी तरह जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इससे भगवान का संबंध नहीं है किसी भी वस्तु का तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है ये माया का ही प्रभाव से आदमी ऐसा सो, ये सोच जो है उसमें कोई वास्तविकता नहीं ऐसी सोच गलत है हर वस्तु का भगवान निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्चते है के दया बुद्धिया हरी संबंध वस्तु ना हर चीज का हरी संबंध भगवान से संबंध है अगर आप भगवान का संबंध दे के काम करेंगे तो आप शुद्ध भक्ति में आ जाएंगे ठीक है तो ये आपका दूसरा श्लोक का थोड़ा सा टिप्पणी कि हर चीज का भगवान से रिश्ता है आप उसका रिश्ता नहीं तोड़िए तोड़ेंगे तो माया का प्रभाव में आ जाएंगे ठीक है हरे कृष्णा ठीक है तीसरा श्लोक जो था आपका तो दूसरा श्लोक भी संबंध ज्ञान है इन द सेंस कि हर चीज का भगवान से रिश्ता आपको दिखना चाहिए ठीक है वो संबंध को तोड़ दे तो माया का प्रभाव है तो पहला दोनों श्लोक मिला के आपके संबंध ज्ञान हो गया ये जो तीसरा श्लोक है ये आपका कंक्लूजन है प्रयोजन है प्रयोजन है, है मतलब जैसे तो बिजनेस में दो लोग मिले संबंध बनाया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया एग्रीमेंट बनाया हो गया ना, रिलेशन बना दिया, तेरे को इतना मिलेगा मेरे को इतना मिलेगा। उसके बाद वो लोग बिजनेस करते हैं है, उसको बोलते हैं अभिधेय और प्रयोजन उनको रिजल्ट मिलता है प्रॉफिट लड़का लड़की साथ आते हैं संबंध बनता है हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं प्रयोजन साथ संबंध हो गया उसके बाद अभिधेय वो साथ उस साथ रहते हैं और प्रयोजन बच्चा पैदा हो जाता है ठीक है तो इस तरह आप समझ सकते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन भक्ति में भगवान से हमको संबंध पता चल गया रिश्ता अभिधेय कैसे हमको भगवान की सेवा करना है कैसे उनकी पूजा करना है आ? भक्ति में लगना है ये आपका हो जाता है अभिधेय और प्रयोजन भगवान का दर्शन भगवान का ज्ञान तो अभी भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं इसलिए इसको प्रयोजन बोला जाता है हे यथा महाभूता भूत उच्चवचे चेष्वु प्रतिष्ठा अन्य प्रतिष्ठा तथा तेषु न प्रतिष्ठा अन्य अप्रतिष्ठानी ठीक है प्रतिष्ठानी प्रतिष्ठानी अप्रतिष्ठानी तथा मैं अंदर हूं या नहीं हूं तो ये तो मुश्किल ज्ञान है बहुत हाँ तो इसको प्रयोजन है ना इसी को समझना गोल है <laughs> सबसे मुश्किल है चारों तो ये प्रयोजन है आपको इसको समझिए ठीक है हे जानो कि ब्रह्मांड के सारे तो, तो, तो विश्व में प्रवेश होते हुए प्रवेश नहीं करते जैसे हमारे शरीर में ये सिंपल देखिए क्या है मैटर से भगवान को नहीं समझ सकते जैसे बोलते हैं ना भगवान के कमल लोटस फिट हाथ भी कमल लोटस हैंड फेस भी पंकज क्वीन कुंती की प्रार्थना में भी पंकज पंकज हर चीज में पंकज आंग्रे लोटस फिट तो हम लोटस से लेकिन लोटस भगवान का ऐसा थोड़ी है लोटस ही है उनका तो सुंदर हाथ है लेकिन हमको इस दुनिया में सबसे सुंदर लोटस दिखता है तो लोटस से कंपेयर करते हैं इसी तरह कभी कभी कंपेयर करते हैं कि सूरज है वो हर दिन रोशनी देता है इस और कभी कम और ज्यादा नहीं होता इसी तरह भगवान की शक्ति कभी कम ज्यादा नहीं होती क्योंकि इस दुनिया में उससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है सूरज भी एक दिन नष्ट हो जाएगा लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक सूरज है जिससे भगवान के बारे में कुछ बात कर सकते हैं तो भौतिक चीजों की लिमिटेशन है लेकिन उससे कुछ इंडिकेशन मिल जाती है तो इसमें पंचभूत ये दुनिया पंचभूत की बनी हुई है और पूरा जो ब्रह्मांड का जो कवरिंग है वो भी पंचभूत का है तो कि सोच लो कितना होगा और एक एक कवरिंग पहली कवरिंग से दस गुना बड़ी है तो सारा खुद ही है और ब्रह्मांड में भी इतने बड़े 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 प्लान हैं वहां भी पंचभूत है और हमारे शरीर के आगे अंदर भी पंचभूत है तो हमारे शरीर में पंचभूत होने से बाहर पंचभूत कम थोड़े हुए है ना इतना ब्रह्मांड है जैसे समुद्र में से नदी में से आप थोड़ा पानी ले, ले लिए नदी थोड़ी कम होती है तो उसी तरह अंदर भी है लेकिन अंदर होते हुए भी बाहर भी है ठीक है सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी ब्रह्मांड के सब प्रवेश नहीं करते उनका एग्जिस्टेंस बाहर भी रहता है खत्म नहीं हो जाते इतना इंडिकेशन है ऐसा तो नहीं है मैटर तो अनलिमिटेड नहीं है लेकिन इंडिकेशन है जैसे आपका शरीर बना ये थोड़ी की पृथ्वी खत्म हो गई <laughs> ऐसा तो नहीं है जैसे आपने समुद्र जाके थोड़ा पानी पी लिया थोड़ी समुद्र कम हो गया मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसी तरह हमारे शरीर के इस पंचभूत से बनने से ब्रह्मांड में कुछ कमी नहीं हो रही है ठीक है उसी तरह उसी प्रकार ये मिटल एग्जाम्पल है अब कृष्ण जी स्पिरिचुअल में एक्सटेंड कर रहे हैं उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित हुए साथ साथ प्रत्येक वस्तु के पृथक रहता हूं तो ये जैसे पंचभूत अंदर बाहर भी हैं उसी तरह भगवान हमारे हृदय में भी बैठे हैं लेकिन वैकुंठ धाम में भी बैठे हैं ठीक है वो, क्योंकि वो ए, इस दुनिया में कुछ एग्जाम्पल ही नहीं ऐसा जो अंदर बाहर है पंचभूत का एग्जाम्पल इसलिए भगवान ने लिया कि पंचभूत हमारे शरीर को बनाते हैं लेकिन बाहर भी दिख रहे हैं आपको कम तो नहीं हुए पृथ्वी थोड़ी ऐसा हुआ कि पृथ्वी भाई सारा खत्म हो गया सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन लग गया इसके शरीर बनाने में ऐसा नहीं है ठीक है तो भगवान हमारे शिष्य भगवान की शक्तियों से पूरा सुंदर ब्रह्मांड बनता है लेकिन भगवान वैकुंठ धाम में भी रहते हैं ओके एव एतावद एव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्म यत्स्यात सर्वत्र सर्वदा ये चौथा है श्लोक जो व्यक्ति परम सत्य रूप शिव भगवान को खोज में लगा हो उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वतता सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे ये हुआ भगवान को ज, जानने का प्रयास इसके लिए डेफिनेटली आपको गुरु आ, किसी चीज की खोज करते हैं हम कभी रास्ता खोजते हैं तो क्या करते हैं क्योंकि तो कोई बता सकता है मेरे को मतलब इधर जाना है उधर जाना है लेफ्ट राइट है ना आप खोजेंगे तो आपको गुरु चाहिए तो खोज के लिए आपको इसको आपको अभिधेय बोला गया ये अभिधेय वाला श्लोक है तो इससे हम खोज रहे हैं हम भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं वो तरीका अभिधेय होता है जैसे हमने बता दिया भाई कृष्ण ने कि मैं अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ सब जगह हूँ ठीक है मैं उनको देखना चाहता हूँ वो देखने के प्रतिक्रिया को बोला जाता है अभिधेय इसके लिए हमको भक्ति का मार्ग लेना और कोई नहीं सबसे बड़ा रहस्य हमारे वेद शास्त्र में है भक्ति तो वो छुपा हुआ मार्ग है तो उसको बताने के लिए आ, उसको प्राप्त करने के लिए हमको भक्ति का मार्ग लेना अनिवार्य हरे कृष्णा एक्चुअली हमारा ये जो है हमारा इंग्लिश में आ, क्या कहते हैं मेरा नोट्स है ये देखिए आपको दिख हमारे जी ये आपके जो थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स मैं अपने नोट से देख लेता हूँ कुछ पॉइंट आपके लिए मिस नहीं हुआ है ठीक है अहमेवा सम्रे न असत परम पश्चात अहम यद अवशिष्येत सो अस्मि हम ब्रह्मा इट इज आई दर्सनलिटी गॉडर सो सबसे पहले प्रॉपर जी बोल रहे हैं कृष्ण जी अपने पे इम्फेसिस डाल रहे हैं ठीक है एंड ही अबाउट आई आय आय तीन बारी ठीक है एंड हम लोग भी आए हैं इंडिविजुअल है बट वी आर

अद्वैतवादी उपनिषद को स्वीकार करते हैं वो लोग पुराण को स्वीकार नहीं करते इसलिए प्रोपा जी कठोपनिषद को लेकर आ रहे हैं उनके लिए समझाने के लिए देखो भगवान में नित्य है हम सब भी नित्य चेतनस चेतना नाम भगवान भी कॉन्शियस है और हम सब भी कॉन्शियस चेतना नाम मतलब प्लुरल लेकिन एक डिफरेंस है देखे ना भगवान इंडिविजुअल नित्य है और हम लोग प्लुरल नित्य भगवान कॉन्शियस है और हम लोग भी चेतना नाम प्लुरल में हम लोग भी कॉन्शियस है लेकिन एक डिफरेंस है क्या एक कामान भगवान अकेले सब सब को मेंटेन करते हैं ये फर्क है तो इधर से प्रभाजी मूल डिफरेंस हमारा और मायावादी का क्या है मायावादी बोलते हैं हम ही भगवान है तो प्रभाजी बोलते हैं एक्चुअली बुद्धि से मायावादी ज्यादा डेंजरस होते हैं क्यों जैसे आप कहोगे दोस्त है और एक दुश्मन है अगर दुश्मन आपको अटैक करेगा आप सतर्क रहोगे लेकिन कोई दोस्त दुश्मन बन जाए तो बहुत डेंजरस है वो आपको पीछे से ही मार देगा है ना तो सिमिलरली बुद्धिस्ट लोग तो ट्रुथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, बोलते हैं वेद को स्वीकार नहीं करते उनका अपना मार्ग है ठीक है ये बोलते हैं जैसे अलग अलग दुनिया में धर्म है वो तो हमारे वेद को स्वीकार नहीं करते ना ठीक है उनका अपना धर्म है उनका अपना प्रैक्टिस है ठीक है लेकिन ये मायावा तो बड़े डेंजरस लोग हैं ये बोलते हैं वेद को स्वीकार करते हैं और वेद से भगवान को नकार देते हैं ये तो पीछे से छुरी गोपना जैसा हो गया है ये बड़े डेंजरस लोग लोग हैं क्योंकि क्या होता है? बहुत लोग अपना संस्कृति को समझना चाह रहे हैं आजकल वेद को जानना चाह रहे हैं भागवत को जानना चाह रहे हैं ना प्रेरणा है जो भी भारत में पैदा हुआ दिल में होता है एक बार एक गीत तो जरूर पढ़ूंगा लेकिन उसने अगर मायावाद पढ़ ली तो उसको तो गलत उसमें तो भगवान को नकारा जाता है तो उसको पढ़ के वो बेचारा भ्रमित हो जाता है इसलिए मायावादी कृष्ण अपराधी चित्र महाप्रभु बोलते थे मायावाद भाषा हुए सर्वनाश <laughs> तो ये बड़ा तो इस दुर्भाग्य से बचाने के लिए लोगों को हमको बहुत एनर्जी से प्रचार करना चाहिए जैसे आपका अभी दिसंबर का महीना आ रहा है तो सब लोगों से मेरी विनती है गीता का वितरण करिए अब लोगों को आप तरह तरह के न्यू ईयर गिफ्ट देते ना उससे अच्छा आप भगवदगीता दे दीजिए कुछ तो उसको नए साल में कुछ मार्गदर्शन मिलेगा ठीक है तो ऐसा है तो सभी लोग कर सकते हैं तो मे बी वहां निवेट बट द सेम टाइम द फादर फादरसन द ग्रैंड सन और डिफरेंट ठीक है फैमिली एक है लेकिन सब तो अलग अलग इंडिविजुअल है ना एक थोड़ी है सब अलग अलग सबके अपने -पने -पने अपने अपने विचार हैं अपने अपने उनका नेचर है है ना हर फैमिली में दस तरह के लोग हैं सबका अपना अपना नेचर है एक थोड़ी है तो रियलिटी में देखे जाए तो इट्स नॉट वन हम लोग अपने अपने अलग अलग विचार के वो बोलते हैं मायावादा लोग ये दुनिया जो है एक स्वप्न है उनका मूल तत्व है ये सब ये स्वप्न है लेकिन हम सबका एक स्वप्न कैसा हो सकता है अरे भाई रात को मेरा स्वप्न अलग था आपका स्वप्न अलग था हम दोनों का स्वप्न एक नहीं था ये <laughs> तो एक्सपीरियंस हो तो किसी को कहीं हुआ है क्या रात को सुबह उठे ऐसा हुआ है क्या दो लोग बोले एक ही सपना आया था हमको दो लोग तक का एक सपन ही आता है बोलते पूरी दुनिया का ये एक ही सपन है हो नहीं सकता ठीक है।, है ये दुनिया स्वप्न अगर है होती तो फिर अलग अलग स्वप्न क्यों है हमारे? तो ये दुनिया स्वप्न नहीं है सत्य है लेकिन टेम्पररी है तो इससे हम लोग यहाँ पे डिफर कर जाते हैं ठीक है ह्यूमन बींग हम सब लोग एक है लेकिन हम लोगों का अलग अलग हम वैसे अलग अलग एग्जिस्टेंस है हम लोग अलग अलग आई हैं ठीक है तो पर्सनैलिटी ऑफ द बोध लॉर्ड एंड ब्रह्मा इसलिए कृष्ण जी ब्रह्मा को संबोधित कर रहे हैं उसमें ब्रह्मा अलग व्यक्ति है भगवान अलग व्यक्ति है भगवान Uh, सर्वशक्तिमान <coughs> so, है nice. और ब्रह्मा सो ब्रह्मा इज सेइंग फैक्चुअली फेस टू फेस द प्रिडोमिनेट और लॉर्ड ठीक है वेरी नाइस और ब्रह्मा कब देख रहे हैं भगवान को सृष्टि के पहले तो भगवान सृष्टि के पहले एग्जिस्ट करते थे ब्रह्मा के पहले भी एग्जिस्ट करते थे क्योंकि तो ब्रह्मा जन्म के बाद एक उनको उत्सुकता हुई थी कि मेरा स्रोत क्या है फिर तो उसको एक आवाज आई थी तपा उसने तपस्या करा था फिर उसको भगवान का दर्शन मिला था तो भगवान के, के पहले एग्जिस्ट करते थे कर ये, ये, ये टारगेट कर लोगों के लिए तो उनके गुरु का है शंकराचार्य तो प्रुप जी बोल रहे हैं शंकराचार्य भी गीता है, बोलते हैं क्या नारायण पर दुनिया के परे हैं ट्रांसेंड टू ऑल करेक्शन परा पर देखिये अव्यक्ता प्लान भगवत धाम है अब आप ये बोले कि कृष्णा बोल रहे हैं आई सृष्टि के पहले मैं था तो तो उसकी बारे में क्या होगा वैकुंठ में इतने करोड़ों भक्त तो प्रोपा जी बता रहे हैं जैसे आपने पता चला कि राजा घूम रहे हैं तो राजा अकेले नहीं घूमते उनके हजारों सेक्रेटरी उनके पीछे होते हैं जैसे इंडिया में मिनिस्टर कहीं जाता है तो पीछे आगे छत्तीस गाड़ी पीछे छत्तीस गाड़ी अब बोलो मिनिस्टर आ गया तो मतलब बहत्तर गाड़ी भी आई है साथ ठीक है उसी तरह अगर भगवान चलते हैं जब छोटे छोटे लोग ऐसे चल रहे हैं तो भगवान चलते उनका पूरा साथ चलता है जैसे भगवान कृष्ण जी दुनिया में आए थे पूरा उनका टीम आया था माँ यशोदा नंद महाराज वो इधर के नहीं है ये वैकुंठ धाम के उनकी टीम है और भगवान उनके साथ बहुत आनंद में लीला करते हैं और हमको एक ट्रेलर मिल जाता है भाई देखो कितना आनंद है आपको जाना है क्या भगवान इनवाइट करते हैं कि देख कितने खुश हैं ये लोग मेरे साथ तू तो मेरे साथ नहीं रहना चाहता आ, ये देख कितने खुश हैं तो भगवान की लीला है इसलिए ट्रेलर टाइप हो जाता है। so, so, मतलब बहन कृष्णा से अहम एवा से वगरे वो अहम मीन इंक्लूड द होल स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसे राजा बोले मैं आ रहा हूं इट इंक्लूड्स द होल किंगडम ऑफ द और पूरा टीम ऑफ द राजा वैकुंड है ओके okay, एक सेकेंड हा एक्सिस्टेंस द पर्सनैलिटी गॉड एट इम्प्लाइडिस्टेंस वैकुंठ लोका तो भगवान मतलब हम थे मतलब पूरा वैकुंड भी साथ साथ बात हो रहा है वो नित्य वैकुंठ का कभी नाश नहीं होता

सुधीर प्रशरी जी हरे कृष्णा आपको बहुत टाइम से नहीं मिले गुरु जी बहुत धन्यवाद प्रणाम आपको प्रणाम करने के लिए ही मैंने हाथ उठाया था आ रहे हैं गुरु जी कानपुर अरे हाँ हम तो आपका विजिट कर रहे हैं गुरु जी आप प्लान करते हैं प्लान करते हैं लेकिन अभी तो वो तो बहुत ठंड पड़ गए लेकिन वो तो बहुत ठंड पड़ रही है ना नहीं, अभी, तो तो अभी तो स्टार्टिंग है गुरु जी आप तो जानते हैं सब यहाँ रहे हुए हैं तो आप अभी देखो है। मार्च में मंदिर को मैं हम लोगों का एंट्री आ जाओ उसमें सब लोग ठीक है नहीं मैं मेरा बहुत माना है गुरु जी मेरे एक मैरिज पड़ रही है दिसंबर में वो निपट जाए फिर मैं आऊंगा मैं बहुत इच्छा है आपसे लिंक होने के पहले ही मेरी भगवान ने अंतरात्मा में ये बात पैदा कर दी थी कि मैंगलोर जाना है ठीक। और उस समय हाँ हरे कृष्णा सुधीर जी ठीक थोड़ा, थोड़ा <coughs> है आएंगे क्या हो गया है कि दो साल हो गए और जो भक्तों ने दो साल तक सेवा करी है अभी रश्मि जोशी भी है ये दो ढाई साल से सेवा कर रहे हैं एक बारी मेरा मन है सबको घर में जाके उनको थैंक करने का एटलीस्ट टीचर्स को और एडमिन को है ना तो उस प्लान में अभी देखिए मैं बॉम्बे गया था तो बहुत मजा आया हम वहां मंगला माता जी के घर में गए थे उनको बहुत ही खुशी हुआ उधर से मेरे को लगा ये लोग इतना टाइम से 25 -30 से 25-30 महीने सेवा कर रहे हैं एटलीस्ट उनको जाके उनके घर में थोड़ा कीर्तन करेंगे थोड़ा आरती होगा थोड़ा वो प्रसाद वितरण करेंगे है ना हम लोग बैठ के इकटा थोड़ा कथा करेंगे है ना और वो अपने आस के जो हमारे उस एरिया में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको बुला सकते हैं उनको भी एक बार मिलने का मन रहता है तो

talks talks about about the prayojan that that is is result and a process हाँ. प्रभु जी तो तो हाँ. तो मेरे को ये यहाँ पर थोड़ा सा ये लग रहा है जो uh, मन में प्रश्न आ रहा है कि जनरली वी टॉक अबाउट द रिजल्ट एट दी एंड पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं और रिजल्ट की बात हम बाद में करते हैं परंतु तो भगवान यहाँ पर पहले रिजल्ट की बात कर रहे हैं फिर बाद में इस... जैसे आप देखिए वेदांत में भी वेदांत में भी पहला जो शब्द है अतः है अतः मतलब देरफोर तो बोलेंगे ये तो हद हो गई अब हर किताब के एंड में देरफोर होता है है ना भगवत गीता में तस्मात भारत भा, भागवत में भी सेकेंड कैंटो में क्या आता है तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर जब परीक्षित महाराज को सबको समझा के बोलते हैं तस्मात इसलिए ओ भारत भरत के पुत्र क्या है सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरी भगवान ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य समर्था में इसलिए तुम करो है ना तो जनरली तस्मात या अतः एंट में बोला जाता है लेकिन पूरा वेदांत तो अतः से शुरू हुआ है, है ना शुरू नहीं हुआ अतः है ना अथाह ब्रह्म जिज्ञासा तो ये तो भगवान के छोड़ दीजिए कैसे वो सिखाना चाहते हैं okay. तो वेदांत को क्यों शुरू किया तो इसको बहुत डिस्कशन किया भक्तों ने कि शुरू पहला शब्द अतः क्यों बोला क्योंकि आप चौरासी लाख योनी से आए हो है जी। ना बेरफोर अब बड़ी जिज्ञासा करो अब ये छोटे मोटे प्रश्न छोड़ दो ना खाना किधर है सोना किधर तरह है ना है ना तो इस तरह आप भी थोड़ा मेडिटेट करिए भगवान आपको उत्तर ठीक है और आपको बताना है क्या हो, ये पहले आए नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आप बोले कि मैंगलोर जाना है हाँ पहले निर्णय कर लिया उसके बाद आप देखते हो नेक्स्ट ट्रेन से आएंगे फ्लाइट से आएंगे ठीक है ना, ना।, ना।, ना। तो प्रयोजन के बाद कभी कभी अभिधेय दे देखा जाता है है ना तो प्रयोजन भाई वो श्लोक देख के आदमी को लगेगा कि भगवान अंदर भी है हर चीज के भगवान बाहर भी है तो हमको उनको दर्शन करना है एक बारी तो दर्शन कैसे करना है उसका प्रयास करो सर्च करो उसके लिए ठीक है तो भल्लवी माताजी कुछ पूछ, पूछना है नहीं प्रभु जी हरि उमा माताजी हरि उमा माताजी को बहुत सवाल होते हैं हरे कृष्णा तो अभी दिसंबर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमारा एक क्लास में ये लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो इनको थोड़ा सा अपना आशीर्वाद दीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा किसी को और को प्रश्न नहीं है नमिता माता जी आ, हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे ये भगवान का बौद्ध अवतार के ऊपर थोड़ा क्लियर नहीं है नहीं वो कनेक्टेड है ना कि जब भारत में ही करीब ढाई हजार साल बाद आ, सब लोग न, पत, तो संस्कृति का पतन शुरू हो गया था ना वैसे ही आपने देखा एक ब्राह्मण ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया था वही पतन हुआ है ना ब्राह्मण को श्राप थोड़ी देना चाहिए और वो भी इतने छोटे चीज के लिए मृत्यु दंड दे दिया श्रमिक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने तो ब्राह्मण कुल का तो पतन शुरू हुआ उसका ब्राह्मण कुल का पतन शुरू हुआ तो क्षत्रिय वैश्य सब गिर गए है ना जब गुरु ही गिर जाएगा ब्राह्मण गुरु रहते थे वही गिर गया तो फिर क्या बचा सभी लोग गिर गए तो पूरा समाज नीचे आ गया और कर्म कांड बहुत प्रभावित हो गया है ना किसी की अभी देखे ना कुछ लोग करते है ना ऐसे तांत्रिक लोग एक मनुष्य की हत्या कर देते हैं कुछ शक्ति पाने के लिए है ना करते ना सुना होगा है ना तो उसी तरह जानवरों की बलि होने लगी अपने भौतिक लोभ के लिए है ना इसकी बलि हो करेंगे तो देवी खुश हो जाएगी या देवता खुश हो जाएगा तो हम लोगों का आर्थिक व्यवस्था बढ़ जाएगी इसका बलि करो है ना ऐसे ही करते लोग तो ये सब जो चीज शुरू हो गई थी तो मंदिर कसाई खाने बन गए थे अभी कभी कभी आपने कुछ मंदिर देखे होंगे और जाने का मन नहीं करता अंदर सब जगह खून है है ना कसाई बली तो चल रही तो बुद्ध जी ने थोड़ा कृपा करी और उन्होंने आके भगवान ही खुद उस समय उन्होंने आत्मा का ज्ञान तक नहीं दिया देखो खाली बोला अहिंसा परमो धर्म किसी जी। को दर्द नहीं देना चाहिए यही सबसे बड़ा धर्म है तो ये जब सुन के पूरा भारत बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया जो जबकि कृष्ण के आंखों में करुणा जो दिखेगी तो सब लोग तो प्रभावित हो गए ना, ना? जी, जी, है ना शक्ति सोचे पूरा भारत वेद को छोड़ दिया और क्योंकि वेद को दुरुपयोग कर रहे थे कोई शांति नहीं थी जैसे आप किसी चीज को हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान से जप करेंगे तो आपको बहुत आनंद होगा है ना जी, 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 लेकिन आप ढंग से जप नहीं करेंगे सुनेंगे भी नहीं जो जप करते तो आपकी प्रगति ढंग से नहीं होगी है ना फिर बोलेंगे क्या है मंत्र में रखा है ऐसा बोलते हैं कुछ लोग मेरे को क्या तू ढंग से जप ही नहीं किए और तुमको तो दवाई थी तुम ढंग से दवाई नहीं लोगे तो फर्क कैसे आएगा है ना तो उसी तरह वेद का पालन हो रहा था लेकिन दुरुपयोग हो रहा था तो किसी को कोई शांति खुशी नहीं थी लेकिन जो उन्होंने बुद्ध की करुणा देखी तो लोगों को शांति मिली हृदय में बहुत शांति मिली तो लोग तो शांति ढूंढ रहे हैं ना तो उनके पीछे फॉलो करने लगे है ना कि अंततः लोग को ये थोड़ी मतलब है ये फॉलो करना वो फॉलो करना लोगों को तो शांति और खुशी चाहिए है ना आज आत्मा को क्या चाहिए खुशी और अशांति ना तो बुद्धि बुद्धिज्म पर लगेगा उसमें उनको पहले से जो दुरुपयोग से ज्यादा शांति मिली नहीं तो एक आदमी दो आदमी पूरा भारत अगर बदल गया तो उसका कुछ कारण होगा ना है ना जी जी ठीक है अशोक ने पैटने दिया बट जबरदस्ती थोड़ी थी कोई तलवार से थोड़ी बुद्धिज्म बुद्धिज्म तलवार से नहीं फैला है कुछ धर्म दुनिया में तलवार से फैलते हैं युद्ध तलवार से थोड़ी फैला था है ना बुद्ध ने करुणा दिखाई थी और उनके शिष्यों ने करुणा दिखाई थी उससे लोग प्रभावित हो गए सब लोग बोले अहिंसा परमो धर्म है ना तो शुरू हो गया अब उन्हों को तत्व भी देना था तो बुद्ध ने भगवान और आत्मा की कोई बात नहीं करी उन्होंने बोला जब मर जाते हैं सारे पंचभूत शरीर के दुनिया में मिल जाते हैं जिसको बोलते हैं शून्यवाद निर्वाण है ना ये अब अब शंक अब इसके बाद अब तो ये तो बहुत ही इमरजेंसी हो गई क्योंकि भारत में ही अभी वेद नहीं रहे है ना करेक्ट तो इमिडियटली भगवान ने शिवजी को बोला जाओ, जाओ जाओ तुम जाओ बुद्ध के रूप में खुद आए थे भगवान के ये बता रहे हो है ना कि शिव जी को बोला तुम जाओ मायावाद वो, वो सकते ना अंधेरा नहीं है लाइट है, है। तो लोग <coughs> समझ आया तो लोग ने बोला ठीक है समझ आ गया आपका ब्राह्मण का कंसेप्शन हम शरीर आत्मा है लेकिन ये ज्ञान उनको किधर मिलेगा तो उन्होंने बोला किधर है ज्ञान है आपको वेद में तो वेद वापस आ गया ठीक है तो सीक्वेंस है माता जी लेकिन फिर वैष्णव आचार्य ने बोला ठीक है अंधेरा नहीं है लाइट है लेकिन लाइट में तो कलर होते हैं ना, जो दिखते नहीं है लेकिन लाइट में कलर होते नहीं होते है ना ब्लू ग्रीन लाइट है ना अलग अलग के कलर दिखते हैं प्रिज्म में। तो उस तरह आपका वैष्णव आचार्य ने डेवलप किया उसके बाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे ठीक है हाँ किस तो चलेंगे फिर हरे कृष्णा देखो तुझे टैंपल का देखा दे हाफ़ कंस्ट्रक्शन कहाँ तक हुआ है कैसे हुआ है वो एक वीडियो दिखा दे अच्छा लो नहीं वीडियो आपको एक फोटो दिखा देता हूँ मैं एक छोटा जी, सा ठीक है ओके ऑलरेडी हम उसके अंदर हैं मैं अभी दो तीन दिन पहले गया था आप सब याद है जब हम भूमि पूजा कर रहे थे तो साढ़े चार हजार लोग देख रहे थे मेरे को कितनी खुशी हो रही थी कि देखो ये भी एक आदमी देखिए ये मंदिर है सबको खुशी हो रही है देखिए शाम का हम अभी मैं कुछ दिन पहले दो दिन पहले गया था सारे पिलर बन गए अभी मंदिर के आश्रम तो आपका अभी सुपर स्ट्रक्चर खत्म हो गया है ना अभी इसको हम लोग वेट कर रहे हैं इसको तो रूफ को कास्ट होने में उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्रिक्स और फ्लोरिंग दरवाजे सब शुरू हो जाएंगे ये आपका राइट साइड में दिख रहा हैं सबको आश्रम मंदिर के करीब साठ पिलर्स हैं आपको देख रहे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये तो इसके सारे पिलर हम लोगों ने बना दिए अभी अभी इस पे हमको देख रहे टॉप में ये लाइन लग रही है। अभी इसके लिए फर्स्ट जो आपका जो फ्लोर है स्लैब है पहला जो स्लैब है वो अभी आपको करीब एक महीना लगेगा हमको वो पहला स्लैब आ जाएगा ठीक है ये आपका करीब टेन थाउजेंड स्क्वायर फीट बहुत बड़ा है मंदिर ठीक है <laughs> बोल ठीक है।, है तो खुशी है ना ये तो काम इधर तक पहुंच गया अभी ठीक है हरे कृष्णा हरे कृष्णा एक्चुअली लोग तरह तरह आप लोग तो बहुत सेवा कर रहे हैं तब भी लोग तरह तरह से जो करना चाहते हैं ये भी पर्सनल सेवा आपको एक नया बुकलेट आया पर्सनल सेवा आप उसमें से मिलके भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी किसी को करना है कर सकते हैं कुछ लोग सुदामा सेवा कर रहे हैं छोटा छोटा सेवा सुदामा सेवा के आप फाइव हंड्रेड रुपीज पर वन ईयर हमको लगता है कि एक साल में मंदिर पूर्ण हो जाना चाहिए हमारी इच्छा है कृष्ण की कृपा से तो आप सबसे ऑलरेडी आप लोग लगे हुए हैं इसको बनाने में हाँ जनरली हमारा ऑनलाइन ही डिवोटीज अभी सबसे बड़े डोनर्स रहे आप लोग मिलके इसको कोशिश करें जल्दी रेडी हो जाएगा तो दे बहुत अच्छी फैसिलिटीज बन जाएंगी जैसे मंदिर में बैठ के आप सोचिए कितना अच्छा लगता है जब हम मायापुर गए थे या अभी वृंदावन गए थे जगन्नाथपुरी गए थे या मैंगलोर आए थे चार यात्रा हो गई तो हमारे कृष्ण की कृपा से एक कम्युनिटी बन गया है मैंने टोटल कांग्रीगेशन काउंट किया दस हजार कांग्रीगेशन है अभी हमारे पास दस हजार उसमें से अगर पांच सौ लोग भी इधर एक टाइम में रहे तो बहुत अच्छा कम्युनिटी टाइप रहेगा नहीं को मंदिर दो लोग देखने जाते हैं तो सपोज तो मंदिर खाली है कोई नहीं है कैसा मजा आता है और सपोज मंदिर में भक्त लोग हैं सब चार सौ पांच सौ भक्त हैं कीर्तन कर रहे हैं कथा कर रहे हैं क्या समझ आता है तो इधर इसलिए बहुत बड़ा गेस्ट हाउस भी बन रहा है आपका उसमें आप लोग हमेशा कुछ लोग रोटेशन में आ सकते हैं रहिए है। तो फिर मंदिर में लाइफ आएगा है ना तो ये भी मेरी आपसे विनती है इस एरिया में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है जन्माष्टमी के टाइम में करीब बारह लोग इधर आए थे तो इन लोगों को भी तो ट्रेन करना है ना तो हमको अकेले कैसे करेंगे आप लोग आइए इन सबको लोकल लोगों को भी ट्रेन करेंगे ताकि एक अच्छा ना सक्सेसफुल टेम्पल बन जाए हाँ, इसमें इसमें कुछ कांग्रेगेशन को कुछ डोनर के बारे में भी पता हो सकता है जिसको वो आप कोई जानते हैं जो ऐसे कामों में डोनेशन देते हैं तो आप नामनिष्ठा प्रभु को उनको उनका डिटेल भेज सकते हैं ताकि वो उनको अप्रोच कर सकें इस इसके लिए मंदिर को कॉम्प्लेशन मंदिर के कॉम्प्लेशन के लिए, लिए। यही हो सकता थैंक यू सब लोग ठीक है तो हर्षा माता जी नमिनाष्ट प्रभु को धन्यवाद दीजिए जी प्रभु जी इसके लिए अनम्यूट किया था धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा एक बुला लीजिए प्रभु जी अरे हर्षा माता जी को तो बहुत मोहमाया मिले हैं अभी ठीक है प्रभु जी हैदराबाद भी प्लान कीजिए मैं रेडी बहुत ते, तेलुगु डिपार्टमेंट को तेलुगु डिपार्टमेंट प्लान बना रहे अभी अभी आंध्र में ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती तो उधर तो मेरे को डर नहीं नहीं प्रभु जी बिल्कुल ठंडी नहीं इतनी ठीक है कोई वीकेंड माता जी दो छुट्टी में ऐसा प्लान करिए वीकेंड में ठीक है उनका इम्पोर्टेंट आपका हैदराबाद है विजयवाड़ा है है ना विशाखापटना है तो इम्पोर्टेंट तेलुगु सिटीज में उनमें आपको भी मिलनेंगे प्रभु जी बेंगलोर में भी बैंगलोर तो आते रहते हैं बैंगलोर का भी विद इन टू वीक्स हम आ रहे हैं ठीक है nice. दैट नाइस धन्यवाद प्रभु जी ठीक है ठीक है? है तो सब लोग का बहुत खुशी है भागवत सुन रहे हैं और कितना खुशी है ना भागवत सुन के कितना आनंद है ठीक है तो आपका ये हर दिन सुबह भागवत हो रहा है आठ बजे आप लोग ज्वाइन करिए इसको सुनते रहिए श्रवणादि शुद्ध चित्त कर उदय सुनते सुनते एक दवाई की तरह शुरू शुरू में इतना टेस्ट नहीं आता है लेकिन सुनते सुनते आपको बहुत टेस्ट आएगा दुबे जी हरे कृष्णा। लास्ट टाइम तो आपको मिस बारी मिस किए, इस नहीं करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मैंगलोर तो के हमारे कुछ शेट्टी जो है बहुत प्रेम करते हैं, तो हम बॉम्बे इस बार ही उन शेट्टीज को मिलने आए थे तो दुबे और बहुत लोगों को नहीं मिल पाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा ठीक है वो प्रभु जी ने जो हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभुजी यही कि आपने जो आज गेस्ट विजिट दी प्रभु जी तो आपके लिए हम सब लोग हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तीन बार प्रभु जी और टेम्पल जल्दी से जल्दी हमारा पूरा हो तो इसी में प्रयास भी करेंगे सभी लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण